हेलो, नमस्ते। मैं नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा डॉक्टर श्रद्धा सिंह। जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसके घर वाले मालिश करते हैं तेल से, अच्छे से रोज 2 टाइम मालिश करते हैं कि बच्चा अच्छे से चल सके, जल्दी चल सके, उसकी हड्डियाँ मजबूत हों। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये अच्छी आदतें हम कहाँ भूल जाते हैं। हम अपने चेहरे का ख्याल कर लेते हैं, अपने अदर बॉडी पार्ट्स का ख्याल कर लेते हैं, लेकिन अपनी हड्डियों पे हम क्यों इतना वर्कआउट नहीं करते हैं? हम घर के काम, बाहर के काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, हड्डियाँ जो है एज के साथ कमज़ोर होने लगती हैं। अब जैसे हमारे घुटने जैसे जैसे हम बूढ़े होने लगते हैं या एज ज़्यादा हमारी जब होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है एज हमारी, तो हमारे जो घुटनों की कटोरियाँ हैं उनमें जो उनका बेसिक नेचुरल ऑयल होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। वही अगर हम उसकी रोज़ मालिश करें ऑयल से, तो उनके वो नेचुरल ऑयल बने रहते हैं और हमारे घुटने भी, जो हमारे पूरी बॉडी का भार लिए खड़े हैं, वो भी मजबूत रहते हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने घुटनों को इग्नोर कर देते हैं, काम के चक्कर में या किसी भी चक्कर में हम उनको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि उनको भी केयर की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, हमारे जो रोज़मर्रा के इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे हमें बैठना उठना होता है, टहलना होता है, वो तकलीफ़ हो जाती है, सीढ़ी चढ़ना उतरना बहुत ही पेनफुल हो जाता है। उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत इजी सा सोल्यूशन है, जो कि हमें एटलीस्ट 2 टाइम तो करना ही पड़ेगा। अपने घुटनों के ख्याल के लिए 2 टाइम आपको करना ही पड़ेगा, वो है हल्दी का ऑयल। हल्दी का ऑयल होता है, उसका 1 ड्रॉप लेकर के 4 ड्रॉप किसी भी कैरियर ऑयल, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, आमंड ड्रॉप्स हो गया, आमंड ऑयल, बादाम का ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल, और इसका 1 ड्रॉप, उसका 4 ड्रॉप, ये मिक्स करके हमें अपने घुटनों पे दो बार एटलीस्ट लगाना है। एक आप सुबह कर सकते हैं, एक शाम को कर सकते हैं। और अच्छा होगा कि अगर आप ये लगा रहे हैं, अपने घुटनों पे मालिश कर रहे हैं, तो धूप में बैठ के थोड़ी देर मालिश करिए, तो विटामिन डी भी मिलेगा आपके घुटनों को। और तेल से जो मालिश करेंगे ना, रोज़ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो आपके घुटने भी जो पेन होता है या काफ़ी हद तक धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। और आपके लिए आपका ही रोज़मर्रा का काम जो भी है धीरे धीरे काफ़ी ईजी होने लगेगा। देखिए, तुरंत नहीं अच्छा सही होता है, किसी भी चीज़ को ठीक होने में या प्रॉपर आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो आएगा। लेकिन आपको ये एटलीस्ट 2 टाइम्स करना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।